जामिन हूँ, मेरा पास चल जिंदा है, लेकिन अदालत रोकते तो इसीलिए जैसे ही 10 मुहर्रम का दिन चला इतना पास नजीर छोड़ी बीबी हर खेमे में जाकर भी बीबीओ रात वाले अल्फाज वापस लेती हूँ, मैं तुम्हारे पर्दे की जामिन नहीं, मेरे पास नजीर छोड़ी। मां तुम करो जितना कर सकते हो, अगले साल तो वही रहेगा जो अगले साल जिंदा होगा। बस पूरी शहादत में नहीं पढ़ सकते ना, आप सुन सकते हैं दो जुमले मसाहब की सुनिएगा। अब्बास की वफा पढ़ के मैंने छोड़ देना है, शहादत मैंने नहीं पढ़नी, अब्बास की वफा सुनिएगा। खुदा की कसम अदारो सकीना तैयार करके चचा को मौला हुसैन के पास लाए, रो के थे बाबा मेरा असगर प्यासा है, मेरा असगर मर जाएगा, बाबा पानी मेरे चचा को इजाजत दे दे। मिल गई इजाजत, अब्बास ने तलवार उठाई, नेजा उठाया, जाने लगे। हुसैन रो के फरमाते हैं अब्बास कहाँ जा रहा है, कब मौला फरात के किनारे। हुसैन रो के फरमाते हैं अब्बास तलवार रख ले, अब जो समझेगा वो हाय करेगा। जैसे जो जैनब की निगाह पड़ी ना दौड़ के आई, आके कहती भैया हुसैन अब्बास को बगैर तलवार के न भेज, अब जितने शिया बैठे हो सीने पे हाथ जरूर मारिएगा। अल्लाह ताला बोला उसे रोक के फरमाते अब्बास मेरी तलवार भी ले जा, अपनी तलवार भी ले जा, लेकिन अब्बास सोच समझ के शामियों को मारना, जितना तू शामियों को मारेगा इतना ये मेरी ज़ैनब को मारेंगे, जितना तू शामियों को मारेगा इतना ये सकीन। अब जितने अदादार आवाजें बुलंद कीजिएगा और मेरी तरफ देखिएगा, भाई अर्शदा की हालत खराब हो रही है। हुसैन रो के फरमाते गाजी जितना तू शामियों को मारेगा उतना ये ज़ैनब को मारेंगे। जुमला अगला बड़ा दर्द वाला है, जब अब्बास ने सुना ना मेरी आका जाती को मारेंगे, अपना मामा सर से उतारा, देखना मेरी तरफ, जिन्होंने घर तक रोना है हुसैन के हाथ पे दिया, रो के कहते आका हुसैन मेरे हाथ मार दे।